हेलो, जय हिंद टू एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्क्वाट एकेडमी पे। सो गाइस, नेक्स्ट डे हमने जो बेसिक मैथ होती है, सेट नोटेशन में क्या क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए नंबर्स का, उस पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, पूरा बेसिक से बताया हुआ है। एंड आज से मैं आपको सेट थ्योरी शुरू करने वाला हूँ। सेट थ्योरी में पहले मैं सेट बताऊँगा, फिर इसके बाद रिलेशन बताऊंगा, फिर इसके बाद में मैं आपको फंक्शन बताऊंगा, देन आपकी पूरी एलजेब्रा कंप्लीट होगी। वन बाय वन आपका अगर एग्ज़ाम है, आप बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करिए पूरा सिलेबस, देन इसके बाद पेपर देने चाहिए तो आपको बहुत ही लाभ मिलने वाला है। यहाँ से अगर आप बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आप बेसिक कंप्लीट करिए। कोई भी एग्ज़ाम है दुनिया भर में, भारत में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका बेसिक आना चाहिए, देन आपको उसके सारे रिजल्ट आने चाहिए। ठीक है गाइस, तो आज हम शुरू करेंगे सेट। तो देखिए, यहाँ पे सेट में अगर बात करूँ एयरफोर्स के लिए, तो दो क्वेश्चन मिनिमम, दो क्वेश्चन रहते हैं, तीन भी कभी कभार हो जाते हैं। ठीक है, तो दो नंबर सेट के ज़रूर रहते हैं, और एक या दो नंबर सेट के रिलेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर ही रहता है, और फंक्शन से भी एक क्वेश्चन रहता है। तो वही करीब अराउंड पूरे सेट के लिए मैं बात करूँ तो तीन से चार क्वेश्चन रहते हैं। सेट का एक क्वेश्चन जरूर आना है, रिलेशन का एक क्वेश्चन जरूर आना है, फंक्शन का एक क्वेश्चन जरूर आना है, तो तीन से चार क्वेश्चन आराम से रहते हैं। सेट में बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछेगा, रिलेशन से थोड़ा हो सकता है, लेकिन वो भी रिलेशन से नहीं पूछता है इतना टफ, फंक्शन से भी ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। तो मेरे हिसाब से तीन से चार क्वेश्चन आपको कम्प्लीट होने वाले हैं। इस सेशन को आपको बहुत अच्छे से करना है, पाँच से छः सेशन में मैं इस पूरे सेशन को कम्प्लीट करने वाला हूँ। आप को क्या करना है कि जितना भी मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट करके देन इसके बाद क्वेश्चन पे लगाना है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन क्लियर करवाने वाला हूँ। आप चीज़ों को देखेंगे एंड जैसे ही आपके पास में क्वेश्चन आएगा वो सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी लगेंगी। सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है गाइस, सो सॉरी सॉरी तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए सेट। ठीक है, सेट क्या होता है उस पर बात करेंगे, क्या करेंगे सेट, सेट पे बात करेंगे कि ये सेट जो होता है, सेट थ्योरी, इसको बोलते हैं समुच्चय। सेट को इंग्लिश में बोलते हैं समुच्चय। समुच्चय क्या होता है तो इस पर बात करेंगे। ठीक है, जो सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, सेट जो होता है, जो समुच्चय होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह होता है या ग्रुप होता है। समुच्चय को क्या बोलेंगे, समुच्चय जो होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह होता है। सेट को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। यह क्या होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह होता है या ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तुएं सुपरिभाषित आनी चाहिए। 2018 के फर्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होता है एयरफोर्स का है, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि सेट क्या है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का सुपरिभाषित समुच्चय है। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें, जैसे मैंने बताया ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप अगर प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के जो देखेंगे आप क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको ये ज़रूर मिलेगा। तो इससे बिल्कुल भी ना सोचें कि ये हमारा आने वाला नहीं है, ये आता है। ठीक है, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो सेट क्या है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग। अब जनरली तौर पर अगर बात करें कि सेट आपको कैसे मालूम करोगे कि आप सेट है, तो जैसे किसी समूह में या किसी खेत में गायें चल रही हैं, तो ये हमारा क्या है, एक सेट। लेकिन आपने बोला कि यह एक सुंदर गाय है, ठीक है, ठीक है, आपने बोला एक सुंदर गाय है, तो एक पर्टिकुलर इंसान पे जो सेट होता है लागू नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आप बोले किसी और मैनर से, मैं बोल रहा हूँ किसी अन मैनर से,
तो ये अलग अलग बातें हो सकती हैं कि सेट को बताना है, या इस तरीके से भी हम सुन सकते हैं, कह सकते हैं सेट के लिए कि कक्षा में विद्यार्थियों को ये क्या है, ये एक हमारा समुच्चय है। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं बात करूँगा कि कक्षा में स्मार्ट लड़कों का समुच्चय है, दो या तीन लड़कों ये छाटे स्मार्ट हमें, और उसमें बोल दिया आपसे कि कक्षा में जो स्मार्ट बॉयस हैं उनका समुच्चय क्या रहने वाला है, तो सबसे पहली बात है कि मेरे देखने का नज़रिया स्मार्ट लड़कों का दूसरा है, मैं कुछ तरीके से स्मार्टनेस देख रहा हूँ। वही अगर मेरे सामने और कोई हो या आप ही हों और आप उसमें देखें, तो उस लड़के में स्मार्टनेस की जगह आप पाएंगे कि ये मेरे अकॉर्डिंग स्मार्ट नहीं है, तो ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय होगा क्या? कक्षा में विद्यार्थियों का समुच्चय तो हमारा सेट है, बट स्मार्ट स्मार्ट लड़कों का समुच्चय हमारा ये सेट नहीं है, ठीक है, या ग्रुप ये सेट हमारा नहीं है। ये बात आई समझ में? जैसे पांच प्रथम धन संख्याओं का समुच्चय, तो पांच प्रथम धन संख्याएं या फाइव फर्स्ट नेचुरल नंबर ये क्या होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है बात कार्डिनलिटी की, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, क्या बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट मतलब होता है अवयवों की संख्या को ज्ञात करना, सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको फाइंड करना कार्डिनलिटी ऑफ सेट के अंतर्गत आता है। जैसे कोई एक सेट मैंने लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या रहने वाली है? तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितने एलिमेंट हैं? 6, ये हो गई। तो ये हमारी क्या है? एक सेट की कार्डिनलिटी है सेट में अवयवों की संख्या को दिखाना कि इस सेट में एलिमेंट कितने हैं। तो 1, 2, 6 कितने एलिमेंट हो गए? 6 हो गए। या इसी तरीके से कोई एक सेट है और इसमें 2, 4, 6 अप टू डॉट डॉट 30 नंबर तक है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी बताइए? इसकी कार्डिनलिटी क्या रहने वाली है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 30 नंबर तक है, और ये यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि जो सेट है यहाँ पे सेट ए में जो एलिमेंट हैं इवन नंबर टाइप के हैं, क्योंकि 2, 4, 6 अप टू आगे 8 आएगा, फिर 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, सॉरी इस तरीके से हमें एलिमेंट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे एक के बाद एक छोड़ रहा एलिमेंट है, तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी क्या रहने वाली है? तो 50 क्या रहने वाली है? 50 क्या रहने वाली है? 50, ठीक है। और अगर इसी में दूसरे तरीके से अगर आपको देखना हो तो कैसे देखेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप अगर अन्य तरीके से देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि कोई एक सेट है, एक मैंने सेट लिया हुआ है और इसमें मैंने एलिमेंट डाले हैं 2, 3, 5 अप टू डॉट डॉट 2, 3, 5 अप टू डॉट डॉट 20 नंबर तक, अब इसकी कार्डिनलिटी फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करना है? तो यहाँ पे सेट जो है सेट ए में एलिमेंट जो भरे गए हैं वो 2, 3, 5 मतलब ये प्राइम नंबर टाइप के भरे गए हैं, तो इसमें हमें कार्डिनलिटी फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, आगे हमारा क्या रहने वाला है? 7 रहने वाला है, 11 रहने वाला है, 13 रहने वाला है और 17 रहने वाला है, फिर 19 रहने वाला है। अब यहाँ पे हम इन प्राइम नंबर्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इस जो ये सेट है इसकी कार्डिनलिटी क्या रहने वाली है? तो क्या रहने वाली है? सॉरी कार्डिनलिटी क्या रहने वाली है? तो 8 रहने वाली है। ओके गाइस, तो यहाँ से आपको पता लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे अगर आपसे कार्डिनलिटी के बारे में पूछा है तो आप इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो अगला स्टेप हमारा क्या रहने वाला है उस पर बात करें।
तो ये हमें ज़रूर याद करके रखना है कि सेट क्या है। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, सेट जो है सो परिभाषित वस्तुओं का समूह होता है। फिर इसके बाद मैंने बताई आपको कार्डिनलिटी है कि समुच्चय कोई है उसमें अवयवों की संख्या को जानना या उसमें कितने एलिमेंट हैं उनको जानना कार्डिनलिटी के अंतर्गत आता है। सॉरी यार, पता नहीं क्यों अभी से खांसी आने लगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सेट ए इज इक्वल टू वैल्यू है 1 2 1 1 2 3 4 2 2 4 सॉरी पता नहीं क्यों क्या हुआ यार। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ, उसमें जो एलिमेंट है कुछ एलिमेंट रिपीट हैं कुछ रिपीट नहीं है। आई होप हाँ ठीक है, बात सही बोली। मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ, उसमें कुछ एलिमेंट रिपीट है कुछ एलिमेंट रिपीट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारे पास इसमें एलिमेंट सबसे पहले 1 भरा है, फिर 2 भरा है, फिर 3 भरा हुआ है, फिर 4 भरा हुआ है। मतलब इतना सारा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, इतना ही लिखने से आप काम चला सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सेट में रिपीटेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो सेट होता है हमारा, वहाँ पे रिपीटेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भी बात नोट करने वाली है। ओके गाइस, यहाँ पे भी हम बता सकते हैं कि सेट जो है हमारा, यहाँ पे एलिमेंट जो हमारे रिपीट हो रहे हैं उनको केवल एक ही बार काउंट करके हमें लिखना होता है। और यहाँ पे अगर आपसे कार्डिनलिटी पूछता है तो यहाँ पे कार्डिनलिटी आप कितनी बताएंगे? 4। कितनी बताएंगे? 4। ओके गाइस, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं सेट्स ऑफ नोटेशन। सेट का जो नोटेशन होता है हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा दिखाते हैं, ए बी सी डी अप टू 30। सेट का जो नोटेशन होता है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर द्वारा दिखाते हैं। फिलहाल मैंने जैसे अभी लिखा हुआ था सेट ए के लिए क्या लिखा था, कुछ एलिमेंट अगर इसमें भरना हो हमें तो 1 2 3 4 अप टू 30 भर लिए। अगर बी के लिए भरना है क्या हो जाएगा, 2 4 6 अप टू 30। अगर सी के लिए आगे दिखाना हो तो 1 3 5 अप टू 30। सॉरी अभी भी नहाया तो इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, जो सेट का नोटेशन होता है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा दिखाया है इसको। ठीक है, ये बात हमारी बनी। अब इसके बाद बात करते हैं कि सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो बन नहीं पा रहा है। सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तो होता है रोस्टर मेथड और दूसरा होता है सेट पुलर फॉर्म। सेट का जो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक होता है रोस्टर मेथड। ठीक है, अगर बात करता है कि रोस्टर मेथड में कोई चीज़ें लिखनी है, जैसे कोई एक सेट है उसको रोस्टर मेथड में लिखना है, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 30। ये हमारा कौन सा मेथड है, तो ये हमारा रोस्टर मेथड है। कौन सा मेथड है? रोस्टर मेथड है। ये हमारा कौन सा मेथड है, तो रोस्टर मेथड है। एक बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी बात आती है? सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे जैसे अगर मान लो सेट को लिखना है,
तो इसको क्या लिखोगे, जैसे यही वाली अगर बात करें तो सेट ए के लिए क्या लिखेंगे, यक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यह यक्स एक हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 अप टू डाटा आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम ऐसे ही लिखने वाले हैं, ठीक। ये बात है, तो ये हमारी बात हुई है सेट का जो नोटेशन होता है उसके बारे में बात हुई है। एक तो रोस्टर मेथड होता है, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो बात आती है सेट की, टाइप ऑफ सेट कि सेट जो होता है उनका प्रकार क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार। तो इनको हम किस तरीके से बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के लिए, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आता है नल सेट। क्या आता है, इसी को बोलते हैं, नंबर फर्स्ट पे आता है, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट बोलते हैं, या नल सेट भी बोलते हैं, या इसे वाइड सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या तो इसे एम्प्टी सेट बोलते हैं, या इसे नल सेट बोलते हैं, या इसे वाइड सेट बोलते हैं, और हिंदी इसका होता है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, ठीक है। जैसे कभी कभार एनडीए में आपसे पूछता है कि व्हाट इज वाइड सेट, वाइड सेट का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। अब इसको मान लो कैसे लिखना है, नल सेट को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो, नल सेट कहलाता है, या वाइड सेट कहलाता है, या एम्प्टी सेट कहलाता है। नल जो सेट होता है इसका जो नोटेशन होता है, या तो इसको ऐसे लिखा जाता है, या इसको एक ब्लैंक कोष्टक के अंतर्गत ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जो नल सेट होता है उसको फाई भी लिखा जाता है, या ब्लैंक ब्रैकेट में ऐसे भी लिखा जाता है। इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, और इसको ऐसे भी नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हमारा गलत है और ये भी हमारा गलत है, तो इसको लिखा जा सकता है केवल और केवल ऐसे ही लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये हमारा इसका नोटेशन होता है कि ये हमारा वाइड सेट है अथवा नल सेट है। आगे बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, या कहीं पे आ जाए कि नल सेट को हमें कैसे दिखाना है। जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल लो तो x इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और बोल दे यहाँ पे कि x बिलोंग टू इवन नंबर, या x इज सच दैट एक्स स्क्वायर 25 इज इवन नंबर। तो यहाँ से बात करेंगे तो ये x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 5 आएगी, तो यहाँ पे इवन नंबर हमारा नहीं होने वाला है। तो ये हमारा कैसा सेट है, एक एम्प्टी सेट है। इस पर प्रॉपर्टी से बात कर लेते हैं तो बात करेंगे नल सेट इज अ यूनिक सेट, UNIQUE। नल सेट कैसा होता है, एक यूनिक सेट होता है।
ठीक है। अगली बात आती है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। क्या बात आती है कि रिक्त समुच्चय एक यूनिक समुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय भी होता है। तो ये बात किसके लिए आती है? बाइट सेट के लिए आती है कि जब भी अगर बाइट सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट के लिए बात करेंगे तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें एलिमेंट की संख्या कैसी हो, शून्य होनी चाहिए। और नल सेट का नोटेशन मैंने अभी बताया आपको, नल सेट का जो नोटेशन होता है, ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक छोड़ दो या इसे फाई लिख दो, ये इसका क्या होता है, नोटेशन होता है इस तरीके से। नोटेशन हमारा इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं जाना है कि ये हमारा क्या हो जाएगा या इसमें भी हमारा जो कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखा हुआ, तो ये हमारी गलत बातें हैं, ठीक है। तो ये नल सेट नहीं होता है, ये सिंगलटन सेट के अंतर्गत आता है। अब हमारा एम्प्टी सेट हो गया है तो आगे बात करेंगे सिंगलटन सेट पे। किस पे बात करेंगे? आए सिंगलटन सेट पे। आगे बात करने वाले हैं सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट इसको हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, ठीक है। नल सेट क्या होता है? एक एकल समुच्चय होता है, ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होता है? इसको यूनिट सेट भी बोलते हैं। सिंगलटन सेट को यूनिट सेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेट। यूनिट सेट, सॉरी बन नहीं रहा है, इसको ही केवल कंप्लीट कर दूंगा। तो सिंगलटन सेट को क्या बोलते हैं? यूनिट सेट। तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे या इसको किस तरीके से बताएंगे? एकल समुच्चय जो होता है उसको यूनिट सेट भी बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिट सेट अथवा सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो। सिंगलटन सेट और यूनिट सेट कहलाता है, सॉरी यार, यूनिट सेट कहलाता है, ठीक है। कैसे? जैसे ए कोई एक सेट है, उसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे फाई लिखा हुआ, तो ये हमारा क्या है? सिंगलटन सेट है, और ये भी हमारा एक सिंगलटन सेट है। तो ऑल आर सिंगलटन सेट, ये सब के सब हमारे कैसे हैं? एक सिंगलटन सेट है, ठीक है। जैसे आगे बात करें कि यक्स इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट यक्स एक सम अभाज्य संख्या, ठीक है। एक्स इज सच दैट एक्स एक ऐसी होनी चाहिए जो अभाज्य संख्या हो, तो ये हमारा होता है क्या? सम भी हो अभाज्य भी हो तो वो होता क्या है? दो होता है। तो ये हमारा क्या है? एक यूनिट सेट है। क्या है? यूनिट सेट है। सो गाइस, आज हम थोड़ा इतना ही रखेंगे क्योंकि अकेले में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट डे से हम इसे कंटिन्यू करेंगे ताकि आपका जो सिलेबस है बहुत जल्दी कंप्लीट हो। एंड मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको जो चीज़ें हैं बिल्कुल 1-to-1 समझ में है, क्लियर हूँ, और आपका एग्ज़ाम भी पास में है, तो थोड़ा फास्ट करने की भी कोशिश करूँगा। क्लासें जो हैं आपकी थोड़े लंबे बड़ी क्लासेस होने वाली हैं। सो गाइस, इसमें ज़्यादा कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है, आप अच्छे से चीज़ों के लिए तैयारी करिए एंड जो भी होगा सब अच्छा ही होगा, ठीक है। जय हिंद।